महाराष्ट्र के वर्धा में सोमवार देर रात भीषण दुर्घटना में मेडिकल के 7 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में बीजेपी विधायक का बेटा भी शामिल है। दुर्घटना सिलसुरा के पास एक पुल पर हुई। 7 छात्र एक कार में सवार थे और खाना खाकर ढाबे से लौट रहे थे। ब्रिज पर कार के आते ही वह अनियंत्रित हो गई और ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ते हुए 40 फीट गहरी नदी में गिर पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया में लिखा है कि महाराष्ट्र के सिलसुला के पास हादसे में लोगों की मौत से मैं आहत हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वे जल्द स्वस्थ हो। केंद्र की ओर से सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया गया है।